देखा नहीं है कि फिल्मों में जो हीरो जो बांसुरी बजाता है तो लड़कियां खींची चली आती है। ओके ओके ओके, जरा फिर से बजाना। ओके हाँ। देखना। अरे लड़की नहीं तो क्या हुआ, कोई तो खींचा चला आया। वाह 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 विशाल जी, कौन है ये हमारे अगले एंटरटेनर जो सीधा खींचे चले आ रहे हैं दिल्ली से। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू सुरेंद्र कुमार। चलो 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 चलो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। अपने बारे में कुछ बताओ। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा और हाँ फरज जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरा सवाल ये है कि एक शाहरुख खान है, आपके बहुत अच्छे दोस्त है, और शाहरुख खान जी आपकी फिल्मों में बहुत फिल्मों में काम किया है, क्या शाहरुख खान जी जब शूटिंग खत्म होने के बाद भी हकलाते हैं ए फरहा ए चाय पिला दो ना? ये बोलते ही है मजा। और अन्नू जी, आप लोग आपके फैन हैं, मैं आपका एसी हूँ, आपके सारा म्यूजिक मैं सुनता हूँ, लेकिन अन्नू जी आपसे भी एक बात करनी है मुझे। एक सिंगर है नाम स्वामी साहब, ये उनको मैंने अक्सर देखा, वो ऐसे लगता है जैसे गाना कोई नींद में गा रहे हो। बीगी बीगी रातों में फिर तुम ना, ये क्या है? ये एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक्ट शुरू होने से पहले ही कोई गोंगा आउट हो गया। क्या कितना बोलते हो तुम, इनसे इंस्पायर तो नहीं हो गए? अच्छी बात नहीं, मैंने ये बहुत अच्छी बात बोली, मुझसे इंस्पिरेशन लो, लेकिन मेरी जो अच्छी बातें हैं वो लो। हाँ मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा आपके लिए। अरे ये ताली में शेर आ गया आ गया आ गया। अन्नू जी, अगर आप दिल मांगोगे तो दे देंगे, जान मांगोगे तो दे देंगे, धड़कन मांगोगे तो दे देंगे, पूछो क्यों? अरे तीनों फिल्म की डीवीडी भाई होटल में ही रखी है। एक बात है, तुम दो बार एक्ट शुरू होने से पहले गोंग आउट हो गए हो। हाँ जी। तो अभी एक्ट दिखाओगे कि वापस जाओगे? मैं एक्ट दिखाऊंगा और सबको खुश करूंगा। पक्का? तो गणेश जी का प्रॉमिस। तो गणेश जी का नाम लेकर एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। Thank you.
दो बार एक्ट के पहले गॉन्ग बजने के बाद सुरेंद्र फुल ऑन अच्छा नहीं किया तुम सुरेंद्र जब तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो तो तुम बोलते क्यों सिर्फ बांसुरी बजाया करो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो तुम सुरेंद्र जितनी सांस तुम्हारी जाती है बोलने में वही सांस अगर बांसुरी में आ जाए तो मेरी बात मानो हर पोस्टर पर तुम्हारा भी नाम आ जाए वाओ वाओ थैंक यू सुरेंद्र जी जब क्वीन खान ने आपको पहली बार फुल स्टॉप किया था और फिर उसके बाद आलमपना जी ने आपको दूसरी बार फुल स्टॉप किया था आपके परफॉर्मेंस के पहले जी तो कैसा लगा आपको डर लग रहा था लेकिन आपने बिल्कुल दिखाया नहीं एक्चुअली मैं सच कहूं तो जब फर्रा जी ने शुरू में वो किया तो मेरे मन में थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था पर पता नहीं मैं कहीं से अपने ईश्वर का नाम ले रहा था कि शायद एक चांस तो मिलेगा लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसे स्माइल करते रहते हो और आप बोलते भी कितनी अच्छी तरह हाँ मैं बहुत नर्वस था मैं बहुत नर्वस था मेरी तो वाट लगी ये सब मैंने फर्रा जी ये सब मैंने गोविंदा से सीखा है गोविंदा के अंदर एक खासियत है कि अगर उसकी माँ भी फिल्मों में मर जाए तब भी वो हंसता रहता माँ अरे माँ अरे तू क्यों मर गई माँ अरे माँ माँ ये क्या हो गया माँ अरे सीखने को मिली तुमने बहुत अच्छा बजा है बहुत बुरी आदमी हो तुम बहुत मजा आया आप पैसे जल्दी ले आओ